मैं यहाँ कलुआ आया हुआ था तो पता चला कि यहाँ धर्मदास बाबा यहीं के हैं, सन्यासी धर्म सिंह। तो उनसे कुछ बात आज हम लोग करने वाले हैं, तो देखते हैं किस चीज़ के लिए हम लोगों को ये मार्गदर्शन देते हैं। देखिए, सबसे पहले है जो अश्लील गाना ये चल रहा है समाज में, जिस तरह का ये देखिए आए दिन, कभी यादव जी की बेटी है तो पांडे जी की बेटी है, तो राजपूत जी के, जो भी चल रहा है। हमने मुख्यमंत्री तक ये मांग पहुंचाया है, आवेदन भी दिया है, दो बार मिले भी हैं सीएम से, हर एक बात हुआ, बोला बाबा ये लोकसभा चुनाव के बाद आपका प्रतिक्रिया पे एकदम पूरा ध्यान दिया जाएगा और इस पर ठोस कानून बनाया जाएगा। डीजे पर देख लीजिए आप, कहीं भी कानून परमिशन नहीं देता है कि डीजे पर अश्लील गाना बनना चाहिए, कोई भी थाना नहीं। अगर हर एक व्यक्ति का ये दायित्व है कि कहीं पे अश्लीलता हो रहा है, अश्लील ऑर्केस्ट्रा हो रहा है, गाना हो रहा है या इस तरह का बजाना है, तो आप खुद उसे रोक सकते हैं अगर सक्षम है। नहीं सक्षम है तो तुरंत आप थाना को इन्फॉर्मेशन दीजिए, तुरंत थाना आके आपको इसका सहायता करेगा। अगर वहाँ से भी नहीं मानता है तो हमारा नंबर है, वो आप एक बार कॉल कीजिए, कौन सा थाना में है वहाँ मेरा फोन जाएगा। अगर आपको वो हेल्प नहीं मिला, उस पर अगर काबू कठोर कार्रवाई नहीं हुआ तो उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हमको ऊपर से आश्वासन मिला है कि थोड़ा लोकसभा चुनाव के बाद सारा प्रक्रिया किया जाएगा, तब तक के लिए मान लीजिए बोला कि इस तरह का बात है, चुनाव का माहौल है, थोड़ा विघ्नता हो जाएगा, आपसी मतभेद में स्वादपूर्ण में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए हमने अभी शांत है। लोकसभा चुनाव के बाद इस पर ठोस कदम नहीं उठाएगा तो फिर ये आंदोलन पुनः एकदम विकराल रूप से हम जारी करके और अनशन करके पटना में, और उसको कानून हम मनवाएंगे, यही कहना है। और जितना भी आदमी इसको कर रहे हैं, सबका इतना दायित्व बनता है कि हमारा सबका माँ बहन का इज्जत हमारा जैसे वैसे सबका है, सबका दायित्व है कि हम अश्लील गाना नहीं बजने दे, ना अश्लील ऑर्केस्ट्रा पे कोई डांस प्रोग्राम होने दे, इससे बचे। उससे अच्छा आप जागरण कीजिए, धर्म का काम कीजिए, देखिए कितना आनंद आता है उसमें। क्या है, दो मिनट के लिए हाँ हाँ ही करके उसमें, ये तो आप देखिए कि कितना अश्लील हमारे माँ बहन में फैल जाए। इस पर एकदम सारे हर एक आदमी का, सब आदमी का दायित्व बनता है कि इसको हम रोके। और एक गांव से, एक पंचायत में जाएगा, प्रखंड में जाएगा, जिला में जाएगा, राज्य में जाएगा, इसी प्रकार लागू होगा। सरकार अगर शराब बंद किया तो हर एक व्यक्ति का दायित्व है कि शराब कहीं पर भी शराब का वो कारोबार होता है तो उसको पकड़वाने का, हर एक व्यक्ति का ये धर्म है, कर्तव्य है, अधिकार है। उसी प्रकार अश्लीलता के विरुद्ध जो ये हमारा आंदोलन है ये जारी है, और लोकसभा चुनाव तक ये वो है, लोकसभा चुनाव के बाद महाविशाल रैली में महाविशाल अनशन हम वहाँ करेंगे, और सरकार जब तक नहीं मानेगा तब तक अनशन खत्म नहीं। ठीक है।